हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है डिजाइन प्रोसीजर ऑफ रिवेटेड जॉइंट। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल से उसको लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा मैं जो इसके लिए मैंने इससे पहले ये जो रिवेटेड जॉइंट की डिजाइन कैसे करते हैं, कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप होते हैं, किस जो अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं इसमें रेजिस्टेंस पावर निकालते हैं इससे हमारा मटेरियल फैल ना हो, उसके लिए हमने स्पेशल फॉर्मूले जनरेट करके बताया कि किस तरह जनरेट करते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में डाल चुका हूँ बना के, जो हमारा जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे उसमें स्टार्टिंग में ही लिंक दी रहेगी, यहाँ पर लिखा होगा डिजाइन प्रोसीजर ऑफ रिवेटेड जॉइंट, उसके जस्ट आगे आपको लिंक दी रहेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। मशीन डिजाइन या डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, वो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दी डायरेक्ट या प्ले लिस्ट बनी हुई है हमारी मशीन डिजाइन के नाम से, उसमें जाकर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए राइट साइड में उल्टा एरो है, उस पर क्लिक करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा खुल जाएगा, उसमें जाके आप लिंक देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले गिवन डाटा लिख देंगे, इसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, हमें क्या करना है, एफिशिएंसी रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी ज्ञात करना है। एफिशिएंसी के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो डाल चुका हूँ, उसकी भी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लें। सबसे पहले दिया सिंगल रिवेटेड जॉइंट लेफ्ट जॉइंट, क्या दिया सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट, 6 mm प्लेट्स विथ 20 mm डायमीटर रिवेट्स हैविंग अ पिच ऑफ 50 mm। क्या कह रहा है, 6 mm प्लेट मतलब बोल रहा है थिकनेस दी है, 6 mm क्या दिया थिकनेस दी है, 20 mm डायमीटर दिया है और पिच दी है 50 mm। इसी तरह डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट 6 mm क्या दिए, इसके लिए भी सेम पिच दिए, इसके लिए भी सेम डायमीटर दिया लेकिन पिच अलग दी 65 mm। परमिशनल टेंसाइल स्ट्रेस मतलब सिग्मा टी दिया है 120 मेगा पास्कल, सीयर स्ट्रेस दिया है टाउ इज इक्वल टू 90 मेगा पास्कल, क्रशिंग स्ट्रेस दिया है 180 मेगा पास्कल सिग्मा सी। तो वन बाय वन सबसे पहले सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट के लिए डिजाइन करेंगे, फिर डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट की। अब इस न्यूमेरिकल समझने से पहले अपन याद कर लें कि जो फॉर्मूले होते हैं उसमें हमें जरूरत पड़ती है पिच की, थिकनेस की, डायमीटर की। अब ये डायमीटर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें इन 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 वैल्यू को डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही डिजाइन डाटा बुक की जरूरत पड़ती। दूसरी कंडीशन हम सबसे पहले देखते हैं थिकनेस अगर गिवन है तो, अगर थिकनेस की वैल्यू ग्रेटर देन 8 mm है, अगर थिकनेस की वैल्यू ग्रेटर देन 8 mm तो हम डायमीटर को डिजाइन करते हैं दोबारा से, जो गिवन है उसके ऊपर भी डिजाइन करेंगे। लेकिन अगर थिकनेस लेस देन 8 mm है मतलब 7 mm 6 mm कुछ भी हो सकती है, लेस देन 8 mm तो हमारा जो डायमीटर गिवन है उसको ही कंसीडर करेंगे, उसी को कंसीडर करके मानेंगे। इनमें जो भी डाटा दिया है जो फॉर्मूले यूज करेंगे उसमें से कोई भी डाटा हमारा गिवन है तो हम उसको डिजाइन करने की जरूरत नहीं, अगर कोई डाटा गिवन नहीं है तो हम उसको डिजाइन करेंगे। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो डाल चुका हूँ, थिकनेस है, डायमीटर है, पिच है, या जो रोड डिस्टेंस होती है जिगजैग टाइप में उसकी कैसे अपन डिस्टेंस निकालते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उसके भी सेपरेट वीडियो डाल चुका हूँ, जस्ट आप देखेंगे लिंक खुलते ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलते ही आपको लिंक मिल जाएगी, वहीं पर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक सिंगल रिवेटेड जॉइंट के लिए, किसके लिए सिंगल लेफ्ट जॉइंट। सबसे पहले डिस्टेंस करते हैं अपन कौन कौन सी जो हमारी रिवेटेड होती है, उसमें फर्स्ट जो होती है टीयरिंग रेजिस्टेंस, क्या होता है टीयरिंग रेजिस्टेंस, टीयरिंग रेजिस्टेंस होता वो लगता है एक्रॉस ऑफ द रो, मतलब जो जिस रो में हमारे रिवेटेड लगे थे पूरे रो होते इस पूरे रो में अगर बीच में से क्रैक हो जाए तो हम उसको बोलते हैं टीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट। ये किस पर रिवेटेड पे नहीं लगता, ये किस पर लगता है प्लेट पे जो उस प्लेट को हम ज्वाइंट कर रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीटी से हम डॉट करते हैं टीयरिंग टीयरिंग पीमिस रेजिस्टेंस इसका टू होता है पी माइनस डी इंटू टी
इंटू सिग्मा टी। सिग्मा टी क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे ये दिया, टेंसाइल स्ट्रेस कितना दिया है? अब सबसे पहले इसके लिए गिवन क्या क्या दिया है यहां देख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमें? क्या चाहिए? पी। पी मीन्स होता पिच, पी मीन्स होता पिच। तो सिक्स ए पिच कितनी दी? 50 mm। पी दिए 50 mm। दूसरा हमें चाहिए डी। डी मीन डायमीटर ऑफ द प्लेट। डायमीटर कितना दिया? 20 mm। टी थिकनेस ऑफ द प्लेट कितनी दिए? 20 mm। सिग्मा टी, सिग्मा टी मतलब टेंसाइल स्ट्रेस। कहां पर दिया? यहां पर दिया। टेंसाइल स्ट्रेस दिया 120 MPa। कितना दिया? 120 MPa। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सारी वैल्यू एमएम है, तो इसको भी एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे। सिग्मा टी इक्वल टू हो जाएगा 120 मेगा की जगह हम क्या करते हैं? 10^6 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 120 × 10^6 न्यूटन 10^6 एमएम स्क्वायर। क्योंकि मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए 10^3 का मल्टीप्लाई करते हैं, दो बार कर देंगे 10^6 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिग्मा टी इक्वल टू हो जाएगा 120 क्या? 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फ्रेंड्स समझ में आया? जो वैल्यू होती है मेगा पास्कल में, अगर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चेंज किया तो सेम की सेम रहेगी। कैसे रहेगी वो मैं बता चुका हूं। अब इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हो जाएगा पीटी इक्वल टू, पी क्या दिया? 50 mm, माइनस डी दिया 20, इंटू टी दिया 20, सॉरी टी दिया 6 mm, यहां पर 6 दिया है, रॉन्ग लग गया था वो, यहां पर हो जाएगा 6 इंटू सिग्मा टी दी 120। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी आएगी? 121600 न्यूटन। ये हमारा पीटी आ गया। दूसरा जो ध्यान करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, कौन सा? शेयरिंग रेजिस्टेंस। शेयरिंग रेजिस्टेंस, शेयरिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर इस तरह जॉइंट होती है और दोनों में क्या होता है? टेंसाइल फोर्स लगता है, तो इस तरह शेयर होते हैं आपस में, नट क्या होता है? बीच से क्रॉस में क्रैक हो जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है, इसको पीटी से डिनोटेट करते हैं, इसको पीएस, सी एस मीन शेयरिंग, पी मीन स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या हो गया? पीएस इक्वल टू जो फॉर्मूला बनता है इसका, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई वैसे अगर इसमें कर नहीं रहे फिर भी करके दिखा रहा हूं। एन, एन क्या होता है मैं बता देता हूं। डी होता डायमीटर ऑफ द रिवेट, टाउ होता शियर स्ट्रेस, एन होता नंबर ऑफ रिवेट्स, क्या होता है? नंबर ऑफ रिवेट्स। लेकिन अभी हम सिंगल रिवेट के लिए यूज कर रहे हैं तो एन की जगह वन ही हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, डी ऑलरेडी हम गिवन लिख चुके कितना? 20 mm। टाउ की वैल्यू यहां पर, टाउ की दी हुई है वैल्यू कितनी दी है देख लेते हैं। शियरिंग स्ट्रेस कितना दिया? 90 MPa। कितना दिया? 90 MPa। अगर इसको डायरेक्ट हम चेंज कर दें, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 Nm/mm2। ये सारी वैल्यू हम किसमें ले रहे हैं? न्यूटन। इन सब की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी की वैल्यू दी है कितनी? 20 mm² इंटू टाउ की वैल्यू हम कितनी निकाली अभी? 90। एन क्या है? सिंगल रिवेटेड, तो बंद कर दिया। पी एस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग आएगा 28278 न्यूटन। ये मैंने डिजाइन किया सीयरिंग। थर्ड होता है क्रैशिंग स्ट्रेस, थर्ड होता है क्रैशिंग स्ट्रेस। क्रैशिंग रेजिस्टेंस क्रैशिंग रेजिस्टेंस, इसको हम करते पी सी से डॉटेड। सी मीन्स क्रैशिंग, पी मीन्स रेजिस्टेंस। इसका जो फॉर्मूला बनता है पी सी इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होगा पी सी इक्वल टू डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी।
पी की टी देखो डी की वैल्यू हम ऑलरेडी हमारे पास है 20 mm, टी है जो टी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 6 mm जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है, हम स्टार्टिंग बता चुके। सिग्मा सी की वैल्यू है कहां पर, हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें देख लेते हैं सिग्मा सी की वैल्यू क्या है। क्रशिंग स्ट्रेस देखो लिखा हुआ रहता है, क्रशिंग स्ट्रेस कितनी 180 मेगापास्कल, इसको पुट करते हैं तो पहले सिग्मा सी को निकालते हैं, सिग्मा सी दिया है 180 मेगा पास्कल, इसको हमें न्यूटन पर एमएम में स्क्वायर में चेंज करना, तो सिग्मा सी इक्वल टू हो जाएगा 180 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कैसे क्यों हो जाता है मैं बता चुका हूं, यहां पर चेंज करके दिखाया था मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज। अब इस वैल्यू को सारी पुट कर देते तो पीसी इक्वल टू हो जाएगा डी की वैल्यू है 20 इंटू टी की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 180। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा समथिंग मेरे पास वो आएगा 2160, कितना आएगा 2160 न्यूटन, सबकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। ये हमने निकाला क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग क्या होता है, जब होल के अंदर वेट जाता है अंदर तो जो मेटल से मेटल टकराते हैं, जब मटेरियल वीक होता है तो पाउडर रूप में झड़ने लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है हमारा फेल्युअर जनरेट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्रशिंग स्ट्रेस हम देखते हैं हमारा जो रेजिस्टेंस है पीसी जो क्रशिंग रेजिस्टेंस है वो कितना जनरेट हो रहा है। अगर जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स लग रहा है उससे इसकी वैल्यू कम है तो हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा, और अगर क्रशिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है टेंसाइल स्ट्रेस से या टेंसाइल फोर्स से तो हमारा मटेरियल सेफ होगा। अब हम इसकी निकालेंगे एफिशिएंसी। फ्रेंड्स एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है किसकी, रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी को, इस तरह रिवेट लिख दिया मैंने, इस सिंबल होता है एफिशिएंसी का जिसका फॉर्मूला होता है लीस्ट ऑफ पीटी टियरिंग रेजिस्टेंस कॉमा पीएस शियरिंग रेजिस्टेंस कॉमा पीसी। इसका मतलब होता है कुछ किसी तीनों वैल्यू में से कंपेयर करेंगे जो सबसे कम होगी उस वैल्यू को हम चुनेंगे। नीचे होता है स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड, अनरिवेटेड प्लेट या हम बोलते ज्वाइंट। इसका नीचे वाले का फॉर्मूला बनता है लिस्ट ऑफ तीनों में से कम है कौन सी है, ये तो देख लेंगे हम, कहां से देखते हैं बताते हैं आपको वैल्यू। देखो टियरिंग रेजिस्टेंस कितना है 21600, शियरिंग रेजिस्टेंस 28278 मतलब 21600 कम है किससे, पीएस से। अब क्रशिंग देखते हैं ये भी 21600 है, 21600 ये दोनों इक्वल है जबकि किससे कम है 28278 से कम है, मतलब पीसी और पीटी में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम चूज कर लेते हैं वैल्यू कितनी 2160 जो कि सबसे कम है, तो यहां रख लेंगे 2160। नीचे इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट इसका फॉर्मूला फिक्स रहता है जो सभी में निकालेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी 216 जो हमारी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जैसे पी की जो वैल्यू है पिच, क्योंकि सिंगल रिवेटेड के लिए निकाला, सिंगल रिवेट के लिए निकाला कितनी वैल्यू हमारी पी की दी है ये 50 दी है क्वेश्चन, तो लिखा पिच ऑफ द एमएम में दिए, इसको वैल्यू सिंगल रिवेटेड जो वैल्यू दी वो रख ली इंटू टी दी है 6 mm, सिग्मा टी दिया है, सिग्मा टी देख लेते हैं हम, सिग्मा टी दिया है यहाँ पर देख ले जो हमने गिवन डाटा लिखा था कितना दिया 120, यहाँ पर से देख सकते हैं 120 उसको भी रख दिया मैंने। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी समथिंग आएगी 0.60, अगर इसको हम परसेंटेज में निकाल दें तो आएगी 60%। तो फ्रेंड्स इस सिंगल रिवेटेड के लिए हमने एफिशिएंसी निकाली 6 से, अब हम डबल रिवेटेड के लिए डिजाइन करते हैं इसी फॉर्मूले में इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स डबल रिवेटेड की बात करते हैं, हम दिखाते हैं आपको डबल रिवेटेड की कौन सी, ये जो सेकंड पोर्शन है डबल रिवेटेड का देखते हैं। डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट 6 mm प्लेट्स मतलब 6 mm थिकनेस दिए विथ 20 mm डायमीटर, 20 mm उसके लिए डायमीटर दिया, हैविंग पिच ऑफ पिच दिए 65 mm एज्यूम, और जो हमारे स्ट्रेस दिए हैं वो सेम रहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस दिया 120 मेगापास्कल, शियरिंग स्ट्रेस दिया 90 पास्कल और क्रशिंग स्ट्रेस दिया 180 मेगापास्कल, ये सब कुछ सेम रहेगा। डाटा मैं सबसे पहले गिवन लिख लेता हूं कि जो टी दी है वो 6 mm दिया है, जो डायमीटर दिया है वो 20 mm दिया है,
जो पिच दी पिच को पीछे एडवांटेज क्या है वो 65 है। सिग्मा टी, सिग्मा टी दिया है 90, सिग्मा टी दिया है 120 मेगा पास्कल, इसको चेंज कर लेंगे 9 न्यूटन पर मीटर पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यू रहती है। इसके बाद दिया सिग्मा ए, सिग्मा सी दिया है जो 180 मेगा पास्कल, इसका टू हो जाएगा 180 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। शेयरिंग स्ट्रेस टाउ दिया है 90 मेगा पास्कल इक्वल टू 19 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये डाटा क्या बना हुई डिजाइन के हमारे पास पॉइंट वही है, फर्स्ट होगा इसके बाद टियरिंग ऑफ द प्लेट, इसके लिए फॉर्मूला भी वही होता है पीटी इक्वल टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। पी ए पिच, डी ए डायमीटर, टी ए थिकनेस, सिग्मा टी ए टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें अगर वैल्यू पुट कर देते हैं हम सारी जो हमारी गिवन है, पी की जो वैल्यू देख रहे हैं 65 दी है, माइनस डी 20 दिया है, थिकनेस दिया 6 इंटू सिग्मा टी दिया है 120। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 32400 न्यूटन। नेक्स्ट है हमारा शियरिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट। शियरिंग रेजिस्टेंस को हम किससे नोटिस करते हैं, पी एस, एस मीन शियरिंग, पी मीन रेजिस्टेंस। इसकी होती है एन इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ। डी डायमीटर ऑफ द रिवेट है, एन नंबर ऑफ रिवेट से, टाउ होता है शियर स्ट्रेस। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एन नंबर ऑफ रिवेट, क्योंकि डबल रिवेटेड के लिए बात कर रहे हैं तो डबल रिवेटेड की बात कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई टू टू हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा टू, डबल रिवेटेड, इसलिए टू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, डी दिया 20 mm इंटू टाउ, टाउ दिया है यहां पर देखें 90। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू समथिंग आएगी मेरी वो आएगी 56556 न्यूटन। नेक्स्ट और लास्ट आता क्रशिंग स्ट्रेस, क्रशिंग रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट। ये रेजिस्टेंस आप जानते हो क्या होता है, जब हम टेंसाइल लोड लगता है या जब किसी चीज खींचते हैं तो क्या होता है इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं, वो क्या करते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसका विरोध करते हैं। अगर उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा होगी तो मटेरियल सेफ रहेगा, अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा। तो ये वही इंटरनल स्ट्रेस होती है, क्रशिंग को हम पी सी से डोनेटेड करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स, डी डायमीटर ऑफ द रिवेट, टी थिकनेस ऑफ द प्लेट, सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस। या फिर हम क्रशिंग स्ट्रेस जो दिया है वो कहां पर दिया है, जो हम निकाल चुके वो देख लें आप, यहां से कितना दिया 180 दिया, टी कितनी दी 6 दिया, डी कितना दिया 20 दिया। इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं, एन क्या नंबर ऑफ रिवेट, कितनी डबल रिवेटेड है इसलिए टू मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डी, डी दिया 20, टी दिया 6 इंटू सिग्मा सी दिया 180। इसको हम कैलकुलेट करेंगे समथिंग आएगा 43200 न्यूटन। अब हम देखेंगे क्या निकालना है मुझे, इसके लिए भी क्या निकालना है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है देखिए इक्वल टू होता है लीस्ट वैल्यू ऑफ पीटी पीसी कॉमा पीएस, मतलब
देखिए टियरिंग रेजिस्टेंस, क्रशिंग रेजिस्टेंस या शियरिंग रेजिस्टेंस, इन तीनों में से जो कम से कम वैल्यू होगी उसको हम चूज करेंगे। नीचे जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड ज्वाइंट, अनरिवेटेड, इसमें से हम चूज करते हैं सबसे कम वैल्यू कैसी। देखो यहां पर जो फर्स्ट वैल्यू निकाली हमने 32400, सेकेंड वैल्यू निकाली 56556, 43200। सबसे वैल्यू जो कम दिख रही मुझे, सबसे वैल्यू यही कम दिख रही इसकी है पीटी की 32400। तो हम यहां लिख देते पीटी मतलब जिसकी लिस्ट वैल्यू, अपॉन इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। क्या होता है, पी होती पिच, टी होती थिकनेस, सिग्मा टी होती टेंसाइल स्ट्रेस। इन इस सबकी वैल्यू पुट करते हम, पीटी की जो वैल्यू है वो यहां से 32400 अपॉन इसकी सारी वैल्यू रखते हैं, पी पिच दिया हमारा 65 डबल लिमिटेड के लिए, टी दिया 6 mm, सिग्मा टी दी यहां पर देख लें आप 120। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी जो एफिशिएंसी आ रही है समथिंग वो आएगी 0.692 इक्वल टू, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 69.2%। तो फ्रेंड्स इस तरह हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं किसी भी रिवेटेड जॉइंट। बहुत सिंपल फॉर्मूले पर आधारित है, इससे और थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल सेकंड में लेके आऊंगा, उसमें आप जरूर देखें। इसमें भी एफिशिएंसी और टियर स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस, इसके अगेंस्ट जो हम टियर रेजिस्टेंस, शियर रेजिस्टेंस और क्रशिंग रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उससे एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।